Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं आहियां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। हॉट इशू प्रोग्राम में अॼु शुरूआत कंदासीं असेंबली सेशन खां अॻु में जेका सूरत हाल ही एम क्यू एम वारनि जे बयाननि जे हवाले सां। असेंबली में बि असांखे साॻे उन बयान ते गोड़ नज़र आयो। सिंध असेंबली में मुतहद अॻवान जे सिंध जे विरहांगे वारे बयान ख़िलाफ़ु ठहराउ पीपल्स पार्टी पारां पेश कयो वियो, जेको मंज़ूर कयो वियो। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त एम क्यू एम पाकिस्तान हमेशह वांगुरु लिसानी सियासत जी हिकु दफ़ो ॿीहर शुरूआत करे छॾी आहे। पीपल्स पार्टी जो चिटो इन ते मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे। पी टी आई जे फवाद चौधरी जो जेका अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे उन पिणु चयो आहे त एम क्यू एम जो अलॻि मौक़िफ़ आहे ऐं पी टी आई जो अलॻि मौक़िफ़ आहे। जॾहिं त सईद गनी जो चवणु आहे, सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु आहे त एम क्यू एम पाकिस्तान जे इन मुतालबे पोयां पी टी आई बीठल आहे। जी डी ए जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त माज़ी में आम चूंडनि खां अॻु में जी डी ए पारां बि सिंध जे विरहांगे जे हवाले सां हिकिड़ी स्टेटमेंट ज़रूरु साम्हूं आई। अॼु जी डी ए जो छा चवणु आहे इन सॼे मौज़ू ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जे महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हला पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली तंज़ीला कमराणी। भलीकार चवंदी त असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजी ॿियूं महिमान आहिनि नुसरत सैरबासी साहिबु। नुसरत भलीकार चवंदी त असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़िन फ़ोन लाइन ते असां सां पी टी आई सां तालुक़ु रखंदड़ बिलाल गफ़ार बि हूंदा। बिलाल साहिबु, आपको बि वेलकम कहती हूं, आपने हमें प्रोग्राम में जॉइन किया। नुसरत तंज़ीला, तव्हां खां शुरू कंदमि। पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो चिटो मौक़िफ़ आहे सिंध जे विरहांगे जे हवाले सां, जेको एम क्यू पाकिस्तान जे अॻवान जी स्टेटमेंट आई आहे, छा चवंदो? छो इन तरह हिकु दफ़ो ॿीहर लिसानी सियासत तरफ़ माहौल खे मोड़ण जी कोशिशि कई पई वञे? रग आहे जंहिं ते हमेशह जंहिंखे छेड़ियो वेंदो आहे ऐं एम क्यू एम उनखे छेड़े ख़बर नाहे उन्हनि खे कहिड़ी तस्कीन मिलंदी आहे, जो हमेशह इहो ई सेम रिस्पॉन्स ईंदो आहे। ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हींअर उन्हनि सां गॾु असांजा कुझु सिंधी ॿाहिरि वेठल आहिनि, सिंधी दोस्त वेठल आहिनि। असांखे लॻो पिए त सभु खां पहिरियां उहे इन ॻाल्हि ते लड़ कंदा या तव्हां कंदा, उन्हनि खे मना कंदा, लेकिन लॻे ईअं थो पियो त उनखे ओन कयो पियो वञे। ऐं असां जॾहिं चऊं था त इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एम क्यू एम जो हींअर सोच न आहे या हींअर पी टी आई जी सोच आहे त शायदि इनखे ईअं कवर कयो वञे त उहे असांजा सिर्फ़ु इतिहादी आहिनि। छा मतिलबु जीअं शेख रशीद जो बयानु अचे तॾहिं बि इहो चयो वञे त इहे सिर्फ़ु असांजा इतिहादी आहिनि, हू पंहिंजी ॻाल्हि जा पाण जवाबदेह आहिनि। एम क्यू एम जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾिए जेके असीं सम्झूं था सिंध खे असां माउ था सम्झूं, असांजी माउ खे विराइण जे असांजी माउ खे टोड़ण जी ॻाल्हि कई वञे ऐं उन वक़्तु चयो वञे त इहा सिर्फ़ु एम क्यू एम जी ॻाल्हि आहे, असां उन सां बदल न आहियूं, ईअं न आहे थींदो। जॾहिं एम क्यू एम पीपल्स पार्टी सां गॾु हुई त पीपल्स पार्टी जे उन्हनि जे हर कयल अमल जा जवाबदेह सम्झी वेंदी ऐं तव्हां ख़ुदि शायदि हुयो जवाबु ॾिनो आहे पीपल्स पार्टी जॾहिं उन्हनि सां गॾु हुआसीं सां। अॼु जॾहिं एम क्यू एम पी टी आई सां गॾु आहे ऐं जॾहिं हू अहिड़ा फसाद वारा बयान ॾियनि था ऐं जॾहिं असां उन्हनि खे चऊं था चयो वञे थो त भाउ असां त हुन सां बदल न आहियूं, उहो अलॻि क़िस्म जो बयानु आहे। नुसरत खां, नुसरत तव्हां ॾाढो सिंध जे हक़नि जे हवाले सां ॾाढी जदोजहद कंदियूं रहियूं आहे, असेंबली में बि तव्हांजा जानदार हिकिड़ा स्टेटमेंट्स ईंदा रहिया आहिनि सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि जे हवाले सां। छा चवंदो? नामुमकिन ॻाल्हि आहे, नामुमकिन ॻाल्हि आहे त सिंध जो विरहाङो थी सघे या सिंध वासी सिंध जो विरहाङो करणु ॾियनि। जी डी ए जो उहो असांखे तहरुक नज़र न आयो हिन हवाले सां। थैंक यू सो मच सबीन। अॻु में त तव्हां जेको इंट्रो में बि चयो त पीपल्स पार्टी जो चिटो मौक़िफ़ आहे, अच्छा छा सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जो चिटो मौक़िफ़ आहे, बाक़ी हिते पार्टियूं जेके आहिनि उहे सिंध वासी आहिनि ई कोन, उन्हनि खे सिंध जो दर्द ई कोन्हे, रुगो हिननि खे सिंध जो दर्द आहे। ॿी ॻाल्हि त एम क्यू एम जे हवाले सां इहो स्टेटमेंट आयो आहे, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो सभिन, स्टेटमेंट ॾियणु ऐं उन जो हक़ीक़त में प्रैक्टिकली छा थियणु, इहो त हिकिड़ो सम्झण जी ॻाल्हि हूंदी आहे न। कानून छा थो चए? हिकिड़ो माण्हू हवा में ॿ लफ़्ज़ चई थो छॾे, उहो हाणे जी ॻाल्हि न आहे। हे त हाणे हिन महिल मुतहदा पाकिस्तान आहे, जेका पंहिंजे लीडर जेको गद्दारे वतन आहे, हिन महिल उन जे बग़ैर पंहिंजी पार्टी था हलाइनि, ठीकु हिन महिल। जॾहिं अल्ताफ़ हुसैन मौजूदु हुयो, जंहिं जेको गद्दारे वतन दहशतगर्द, जंहिंखे दहशतगर्द हाणे पीपल्स पार्टी बि चवण ते मजबूर थी वई आहे, उन दहशतगर्द अल्ताफ़ हुसैन साहब जे 9-0 ते वञी हिननि जी क़यादत आसिफ ज़रदारी हुन सां गॾु सभु वञी उते सिंधी टोपी अजरक पाए जीए अल्ताफ़, वरी कब्रिस्तान बि वञनि था, वरी उहे शहीद जेके शहीद चवनि था एम क्यू एम वारा, उन्हनि जे शहीदनि जे कब्रिस्तान बि वञनि था, वरी चवनि था त असांजी बिलावल आपका बेटा और आपकी बेटी हमारा बेटा, यानी
हाँ ये बिटो जो सिस्टम आ ना इनके समझी चुकिया जीडीए जो तां जो मौकफ मुझी गाल बुधो जीडीए जो सरबरा केरा पीर साहब पगारो उन जी पूरो खानदान उन जो पीरी पूरी हिस्ट्री तो वठो जने 2010 में ही आई हैन मल ता वेठा वडो रेजोल्यूशन आने सु कल इन बडो चो ता असा के सिंध जो दर्द आ सिंध में के असा तकसीम न करन दिना से प्रैक्टिकली ता सिंध के तकसीम कयो तारीख कवाए इने तारीख के केर मिटाए सकंदो उहा भी ये तो तहां बाकायदा अमलन कयो हे तो लफ्जन में था चवन ना छोचो करे ना सकंदा एमकेएम वारा कदे बे 2/3 मेजॉरिटी सिंध असेंबली में आणे तो वठन जने 2/3 मेजॉरिटी आहे ही कोन उनन जी तो हन ते अमल किए कराइंदा बाकी चई अमल जी गाल हुंदी आ तो अमल पीपल्स पार्टी कयो आ उहा तहरीक पीएमएलएफ हलाई सिंध असेंबली में उहा तहरीक हली उहा तहरीक सजी सिंध में विखरजी वई जने सिंध खपाई जरदारी वारो नालो हयो त तू सिंध खपाई जरदारी आ सिंध खपाई वई हनन खपाई 2010 में त कानून पास कयो आ वो कानून खणी दम ता प्रोग्राम कजो मा क्लॉज बाय क्लॉज ता के कानून प्रदम ता पाण रड़ कंदो सबीन ता चंदो त हे छा है त मिटो मकान त सिंध के बाकायदा उनमल सिंध वासन के यो खौफ थी पियो ता असा हैदराबाद ताई जने ईंदा से उने का पो असा का पासपोर्ट घुरदा नुसरत सवाल नुसरत सवाल यो आ त असा माजी में इन तरह जो बयानबाजी आनंद शैन के भोगे चुका हूं जे करे ता जीडीए जी गाल कयो था पीएमएलएफ जी गाल कयो तो माजी में इन तरह जो शयु थिंदी हन जिनके सदाई रोकण जी कोशिश कई वई आ पुर सुकून हन वक्त जो माहौल ठयो हो ये शयु खत्म थी इने जी गाल इने ते भी अचा इने ते अचा थी हनन जो मौकफ आ तो पीटीआई यो सिलसिलो शुरू कियो असा जो मौकफ आ तने जो पोया पीपल्स पार्टी आ वाई है छो जो है हमेशा पान सा अंडर द ग्राउंड अंडर द टेबल एमक्यूएम एंड पीपल्स पार्टी जो पांचो गठजोड़ा के खबर ना है तो जने हे पान में हनन जी मिनिस्ट्री हुई जने हे पोया 5 साल उन का पोया 5 साल 3 महीना 4 महीना सिर्फ बाहर इंदा उन का पो गन हनन सा हनन व हनन उनन के हेल्थ मिनिस्ट्री दिनी हनन उनन के होम मिनिस्ट्री दिनी हनन उनन के इंडस्ट्रीज दिनी हनन वे मिनिस्ट्री दिनी वो तो एक में मां बुधाया थी ना ता के हन मल हनन जो इतरो गठ जोड़ो तो ता के खबर कैबिनेट में जने वेंदा तो सीक्रेट्स मीटिंग्स थिंदियन सीक्रेट मीटिंग्स में एमक्यूएम जा मानु हनन सा गठ वेंदा रहा उनन का पो हनन जा ही नुमाइंदा चवंदा रहा असेंबली में हनन दहशत जरे हे ऑपोजिशन में इंदा रहा एमकेएम वरी ये चवंदा कायम अली शाह साहब मुझे पता है के वाटर बोर्ड में कितने दहशतगर्द तुमने भरे हुए मेरा मुंह न खुलवाओ शर्जील मेमन चयो पीपल्स पार्टी लोकल पार्टी कितने दहशतगर्द पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी जी माजी जीडीए हाणे किथे बीठला इन जो माता के बुधा ने जो को चवन था बिला बिला एक मिनट ना माता के प्लीज क्लियर कर दे हनन कला रेजोल्यूशन आ दो चालाकी निसो हनन जी मां रूल्स प्रोसीजर मां ता के कडी बुधाया रूल्स जे मुताबिक जेको बिजनेस आउट ऑफ टर्न इंदवा यानी वो उने में ऑर्डर ऑफ द डे में नउ दवा अचानक कोई बिजनेस इंदवा उने अचानक बिजनेस या रेजोल्यूशन जे लाए कॉपी अग में लीडर ऑफ जेके हुंदा उन जा अगवान पार्लियामेंटरी लीडर्स उने ने कॉपी मोकली नी दिया उनन खा पो वो उची उथी पुछंदा त भाई इने रेजोल्यूशन जो छाए या वरी अची पुछंदा त ताने के सपोर्ट कयो था ने असाजे परिस्थन के भी खबर ना है एकदम उठी बी थे शैला रजा तो जल्दी जल्दी पढ़े उने का पो स्पीच हेलो असा जो से ठीक आ शुरू थी वई तकरीरू असा पांजा तक नाला लिखी स्पीकर ने मोकल्या जेको एकड़ो तरीके कार असेंबली जो त बाबा रेजोल्यूशन अची ने उने रेजोल्यूशन में शामिल न कयो असा के जाने बूझे शामिल न करे वरी इने जो ता पॉइंट स्कोरिंग था क्यों त जीडीए या फलानी पार्टीज जेका ने में शामिल ना तंजीला इने जो जवाब मा बाद में बिलाल असा सा गडा बिलाल गफार का पूछा बिलाल क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आज जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एक अलग मौकफ है और पीटीआई का अलग मौकफ है मैं आपसे पीटीआई का मौकफ जानना चाहती हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आपने शुक्रिया मुझे मौका दिया देखें पीपल्स पार्टी जो ये शोर मचा रही है ये हमने तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी को हमेशा ये कहा है कि वो सिंध में डिलीवर करें जो अब 11 साल का हम हिसाब मांगते हैं पीपल्स पार्टी को तो वो उनको बुरा लगता है कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है और फिर वो 18वीं तरमीम बीच में ले आती हैं और इतना वो जमहूरियत जो है इतनी मासूम होती है कि तो जमहूरियत को भी खतरा हो जाता है जहां तक आपने फवाद चौधरी के साथ की बात की है देखें पीपल्स आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम दो अलग अलग जमातें हैं दोनों का अलग अलग विजन है दोनों की अलग आइडियोलॉजी है दोनों की अलग अलग मैनिफेस्टो है हम 26 अगस्त के बाद एमक्यूएम की दूसरी हैसियत थी हमने हमेशा ये मौका ये दिया है कि एमक्यूएम अगर अपना मिलिट्री विंग
खत्म कर दे तो वो उसका इत्तेहाद हो सकता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वो हम इत्तेहाद में है, लेकिन दोनों पार्टियों का अलग अलग मैनिफेस्टो है। जहाँ तक हम बिलाल साहब एमक्यूएम पाकिस्तान जो खालिद मकबूल सिद्दीक साहब ने जो स्टेटमेंट दिए उस हवाले से पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी, कहाँ खड़ी होगी? बात ये है कि चाहे एमक्यूएम का हो, चाहे जीडीए का हो, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हो, उन सब का एक ही मकसद है कि सिंध में डिलीवरी हो, सिंध में जो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो अख्तियार दिए जाए। क्यों लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो इसके ट्रू सेंस में, ट्रू स्पिरिट में वो इंप्लीमेंट नहीं होता? आर्टिकल 140A आप पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहते हैं कि जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स की जो अख्तियार हैं वो निचले लेवल तक उसके ट्रांसफर किए जाएं। और जब हम पीएफसी की बात करते हैं कि पीएफसी किया जाए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो वो नहीं होता। बिलाल साहब वो तो तकरार और इख्तलाफात हैं, वो तो बयान स्टेटमेंट आते हैं। मुझे आप इस पे पीटीआई का मौकिफ बता दें। फवाद चौधरी साहब ने क्लियर नहीं किया मौकिफ, आप क्लियर जरा कर दें मुझे। हमारा क्लियर मौकिफ है कि सिंध में गुड गवर्नेंस हो, करप्शन खत्म हो, और जो सिंध का जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है वो सही जगहों पे लगे। और वो आप देख लें कि जो 250 अरब रुपए जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, 10 साल का 2500 अरब रुपए है, वो कहां? बिलाल साहब आप एमक्यूएम पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है सिंध के हवाले से, सिंध के की विरासत के हवाले से, उस पे पीटीआई का मैं मौकफ जानना चाहती हूँ। पीटीआई का इसमें बिल्कुल एक क्लियर मौका है, इसमें मौकफ दिया हुआ है कि सिंध जितनी पीपल्स पार्टी सिंध से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी उतनी मोहब्बत करता है, और हमारा भी उतना ही हक है सिंध पे जितना किसी और पार्टी का। मतलब आप एमक्यूएम के इस स्टेटमेंट के साथ आपका अलग मौकफ है कि सिंध को तकसीम नहीं होना चाहिए, सिंध को तकसीम नहीं होना चाहिए? हाँ, मैंने तो कहा ना हमारी अलग पार्टी है जी, अलग विजय। आप हमारे साथ रहिएगा बिलाल साहब, आपका मौकफ आ गया। तंजीला छा चवंदो नुसरत भी आ गाल गई बिलाल साहब बे सांगे चो तो पीटीआई जो चिट्टो मौकफ आ सिंध के तकसीम न तो कर सके, नहीं जरूरत है एमकेएम जे स्टेटमेंट सा वफाकी हुकूमत भी गद को ने। थोड़ी देर पहले मुझे भेण भी छो अदा बिलाल भी तमाम घणो जानी था छो जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हनि सां गॾु रही आहियां। मुंहिंजी नंढड़ी अकल में तव्हांजो सादे सवाल जो एॾो ॻूढ़ो जवाबु सम्झ में कोन आयो। टू द पॉइंट तव्हांजी ॻाल्हि हुई त तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे, ऐं मुंहिंजी भेण खां तव्हां पुछियो हुयो त तव्हां किथे बीठल आहियो हिन बयान जे साम्हूं, लेकिन दुनिया जहान जी ॻाल्हि थी वई हली। मूंखे उन मां एतिरो टाइम मक़सदु उन जवाब जी जेका तत आहे उहो कढंदे रहिजी वियसि हली, लेकिन काफ़ी हद तक मायूस थियसि। तॾहिं मूं चयो त शायदि मुंहिंजी अक़ल जी कम थी आहे हुन में। मुंहिंजी भेण इहो चयो त विया बिलावल साहब खे उन्हनि चयो तव्हांजो पुटु आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। जी तंज़ीला, ब्रेक ते वञणु खपे जी। त चवण जो मतिलबु आहे त जेकॾहिं ही असां सां सभु गॾु बीठल आहिनि, पुछा असां ऐं पाण में ही चवनि था त असां ॿधियल आहियूं, गॾु आहियूं, हिननि जो इताह थियल आहे, त हर शइ जे लाइ ही हिक ॿिए जे लाइ बाउंड आहिनि? ही सिर्फ़ु इहो चई नथा ख़तमु करे सघनि त हुनजो इहो ख़ाली बयानु हो, ऐं पोइ असां माज़ी जा जेके बि बयान थिया आहिनि उन्हनि खे जेके बि करारदादू थियूं आहिनि उन्हनि खे फज़ूल सम्झूं, छो जो शयुनि जो शुरूआत करारदादू ने सोचनि खां ई थिए थो। नुसरत, अपोज़िशन में तव्हां पार्टियूं गॾु आहियो, पीटीआई आहे, जीडीआई, एमक्यूएम पाकिस्तान आहे, तव्हांजी अपोज़िशन जी जमात तर्फ़ां जेका आहे संतरा जी स्टेटमेंट आई आहे, तव्हांजी पार्टी उन जमात सां अपोज़िशन में कहिड़ो स्टैंड वठी सघे थी, कहिड़ो स्टैंड वठणु घुरिजे, या तव्हां उन जी मुख़ालिफ़त? सभिनि मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मां जंहिं पार्टी सां लाॻापियल आहे न, मुंहिंजी पार्टी खे तव्हांजे चैनल्स ते वेही या कंहिं पीपल्स पार्टी जे कंहिं फर्द जा या एमपीअ जे चवण ते मां को सबूत ॾींदमि छा? मुंहिंजी पार्टी जी लीडरशिप जो हिन सिंध में सिर्फ़ु इहो चवणु त तव्हांजो चिटो मौक़िफ़, भाई चिटो मौक़िफ़ छा? प्रैक्टिकली आहियूं असां त बाक़ाइदा उहे आहियूं जंहिंजे करे इहे पाकिस्तान जी सरहदुनि ते वेठा आहिनि असांजा पीर साहिब जा मुरीद, जेको बाक़ाइदा शमूलियत कंदा आहिनि जंगुनि में उन्हनि में, बल्कि उन्हनि सां गॾु सरहदुनि ते वेठा आहिनि। हुन खां पोइ जॾहिं हे निज़ाम था आणनि, इनखे त जस्टिफिकेशन करे न मुंहिंजी भेण, इहा जस्टिफिकेशन ॾे न, त मां ॻाल्हि कई त हुननि त लफ़्ज़ चयो जंहिंखे कंडेम कयो। कल्ह टियों ॾींहुं असांजी मीटिंग थी आहे, ऐं मुंहिंजो तव्हां मौक़िफ़ चिटो ॾिसो सोशल मीडिया ते असांजे हर मेंबर हुनजो, बल्कि असां त असेंबली में बि ॻाल्हाइण वारा हुआसीं, तव्हां मौक़ो ॾिनो
तां छो न मौको दिनो जने त सिर्फ सिंध तां जो आ सिर्फ तां जो सिंधा जो तां सिंध असेंबली में पां जो रेजोल्यूशन पास करे दुनिया के जाहिर कयो त सिर्फ तां के मोहब्बत आ जीडीए बिलावल सरदारी जे स्टेटमेंट में काथे कोट कंदो बिलावल सरदारी जो हाणे विच में स्टेटमेंट दिनो इंडिया औ पाकिस्तान जे लाए उन के काथे रखंदो उन पग में तो मुल्क नहीं उन का पो सिंध धरती उन का पो पांजा सूबा सो असा के कें भी सूरत में जस्टिफिकेशन देण जी जरूरत ना है पीर साहब या मुंजी जमात वो पूरो पाकिस्तान हुए पुंजो सूबो हुए इन मुल्क के लिए इन धरती के लिए असा जो कुर्बानी हुन बाबा तहां तो इक्तदार के लिए कुर्बानी दीनी आ असा इन धरती के लिए कुर्बानी दीनी आ इन इन धरती इन मुल्क की धरती के लिए कुर्बानी दीनी मजाक थोड़ी है जो असा तहां के वेई जस्टिफिकेशन दियो त हे छो चुपन असा चुप हुजऊं यानी असा चाहूं तो असा छा कुछ नथा करे सकूं पर बेहतर मफाद मुल्क जो एमक्यूएम जो जो कल हुयो उनन बाकायदा वो पांजो रेजोल्यूशन आणे उन शय के किल करण जी कोशिश कई तो भाई असा जे मौकफ के गलत दिनो वियो ता उनन के आण त दियो आ ना उनन के गालाण त दियो आ ना यो पेरो दफो ना है एमक्यूएम जो अग में भी स्टेटमेंट आ मुजे दीदी चन उन मल दहशतगर्द तंजीम न हुई तो उन मल मिलिटेंट विंग हुई एमक्यूएम जी ऐं उन महिल जेका दहशतगर्दी हुई हाणे त उन्हनि जी कुझु बि दहशतगर्दी नाहे हाणे त टुकड़ा टुकड़ा आहे उन महिल त बाक़ाइदा कराची बंदि थी वेंदो तव्हां असां कुंडनि में वेठा हूंदासीं हाणे उन महिल तव्हां वञी हुते वञी ॻाल्हि कई ॻाल्हाइण ॾियो आहे जीडी वारनि खे त थी सघंदो हिननि जो बि क्लियर दुनिया के ॿुधायूं त असांखे सिंध धरती सां प्यार आहे या सिंध धरती खे असां शैला जेको बि चयो हुन सां हिननि एग्री न कयो हुयो ऐं सम्झां थी शैला जेको बि चयो हर सिंधी जो आवाज़ हो कोई बि सिंधी हुन सां हिकु बि डिसएग्री नथो करे सघे जेको बि कुझु शैला चयो उहो हिकिड़ो हर सिंधी जो आवाज़ छा हिन खां वधीक अञा बि उनखे तव्हां इहो गौर करे मना कंदा रहिया इहो ॿुधाईंदा रहिया त तव्हां हिन सां गॾु बीठा रहिया मूंखे इहो ॿुधायो त रेज़ोल्यूशन जो मक़सदु छा हूंदो आहे मुंहिंजी भेण छा मक़सदु हूंदो आहे रेज़ोल्यूशन जो करारदाद पेश करण जो मक़सदु छा हूंदो आहे त करारदाद पेश करण खां पोइ पूरे हाउस खे इहा इजाज़त हूंदी आहे त उहो पंहिंजो पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾे सिर्फ़ तव्हांखे मौक़ुफ़ वेही छो था चओ पोइ हिते वेही न चवणो मुंहिंजी भेण त हे चुप छो न चओ न असां इहो तव्हां जहिड़ी तरह सां जस्टिफाई कयो बैंक खे तव्हां जीअं जस्टिफाई कयो बैंक खे न हो इहो क्लियर आहे इहो क्लियर आहे त तव्हां उन्हनि सां गॾु मिठाई न खोलिया तव्हां जहिड़ी तरह सां तव्हां जहिड़ी तरह सां पहिरां जस्टिफाई कयो तव्हां सां गॾु मिठाई ख़बर आहे तव्हां जो केतिरी मोहब्बत आहे ऐं असांजी केतिरी मोहब्बत आहे सिंध सभिनी जी आहे सिंध सिर्फ़ तव्हां जी न आहे इहा ॻाल्हि हैरानी ॻाल्हि आहे सिंध सभिनी जी आहे ऐं सभिनी खां वधीक सिंध धरती ते जो रिकॉर्ड ते लिखण जी ॻाल्हि आहे त बीसीए बिलाल साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक हेलो जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक बिलाल साहब मुझे बताएं कि सिंध से जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के जो असेंबली में बैठे हुए हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पीटीआई की वो क्यों खामोश हमें नजर आए किस मामले में खामोश नजर आए यही जो एमक्यूएम की जो एक लिसानी नफरत वाली सियासत उस हवाले से जी देखें ये बातें जो होती हैं ये जो हकीकत से जो बरक्स होती हैं उसको बड़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं पीपल्स पार्टी का खुद का नरेटिव उनके जो एक्शंस हैं वो है ना बता रही हैं कि वो उन्होंने खुद तकसीम की हुई है खुद जबान पे लसानियत बेसिस पे तो वो खुद कर रही हैं उन्होंने अपने ऐसे एक्शंस किए कि उन्होंने वो सिंध को दो हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया हुआ है रूरल और अर्बन सिंध की वो बात करते हैं मुझे एक बात बताएं कि आज तक अगर ये पीपल्स पार्टी जो है 11 साल से उन्होंने कराची की ओनरशिप क्यों नहीं ली क्योंकि उनको कराची ने अभी उनको वोट ही नहीं दिया इसलिए वो कराची की ओनरशिप नहीं दी क्या मैं पीपल्स पार्टी वालों से पूछता हूँ क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है क्यों ये है ना लसानियत पे और ना ये है ना उस पे बेसिस पे ये तकसीम करते हैं आप मुझे बताएं कि जो कराची का जो शहर है उसको वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है पूरा पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कराची के बेस पे है बिलाल साहब आप जो जमात आपकी इत्तेहादी है उसकी जो सियासत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है शहरी इलाकों तक ही महदूद होती है मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म करना चाह रही है और उसके लिए सारा मामला जो है मुझे एक वो किया जा रहा है कि
ये जो पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है, जो बिलावल जरदारी साहब है, इनको 18वीं तरमीम का फोबिया हो गया है। ये बहाने ढूंढ रहे, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे। मैं फिर कहता हूँ कि इनकी पूरी लीडरशिप है वो कंफ्यूजन का शिकार है। उनको पता ही नहीं क्या है। जब से नैब के केसेस खुले, जब से जीआईटी खुली है, इनके जो इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, तो इनको जमहूरियत भी खतरे में नजर आती है, 18वीं तरमीम भी है ना खतरे में नजर आती है। मुझे एक बात बताएं, 18वीं तरमीम को खुदा न खास्ता कोई हदीस है, अगर कोई कोई लॉ है उसमें अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, तो क्यों उसको है ना उस 18वीं तरमीम में बेहतरी ला के सुबह दिन में उसके लिए जो बेहतरी है उसको हम इम्प्लीमेंट ना करें। बात यह है कि परफॉर्मेंस हम मांगते हैं और इनको देनी नहीं है। जब हम इनसे परफॉर्मेंस का बात करते हैं, जब हम इनसे मुझे एक बात बताए, दो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए पीपल्स पार्टी वालों को पता होना चाहिए कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ये कहां से इनसे फोबिया आ गया? रात को बस इनको ख्वाब आता है क्या ना 18वीं तरमीम को रिपेल किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि सिंध में डिलीवर करो, डिलीवर इनको करना नहीं है। इन्होंने ये बोला ना काम करने देना है ना काम इन्होंने करना है। जब हम कराची पैकेज जब आप बात सुन रहे ना, हैदराबाद में हमने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, तो उस पर भी इनको इतराज है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी इन्होंने क्यों ऐलान किया। जी तंजीला, मुख्य समझ में नो अचे इन्हें छो लगे तो पीपल्स पार्टी की फोबिया थी है। तहां अगर थोड़ो मुझे भाज गाल रिपीट करे दिसो, वो खुद चवन था या फजूल गाल है या गाल ब्रेक जो वक्त है ब्रेक का कंटिन्यू करें। नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिला जारी रहंदो, वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिले के अगते वदाई नासी जी तंजीला, वो खुद चवन था अठारहवीं तरमीम वो किदा कोन पई वने उन जो कुछ वो होती रहंदी उन का पो वरी खुद ही चवन था तो अड़ी तरमीम में चेंज थी वो तो छाती वो लो यो कोई बड़ी गाल कोने या थी सके तो मतलब असा जने चाहूं था तो वो चवन था तो पीपल्स पार्टी खा मखा जी घोड़ा घोड़ा थी करे तहां पेरी में मोयो अर्ज कियो तो तहां सागे चौदा हर गाल ने जवाब में तां 11 साल ता चन तहां इनन 7.5 महीनन में जो को मुल्क जी हालत की या के खा ढकिल चुपल कोने जो डॉलर जी हालत थी या तहां जो नौजवान 10 लाख का अधिक बेरोजगार थींदा पे वणन तहां जे 40 लाख मानु जके इन से हेठ अची वेन गुरबदी लकीर का हेठ अची वेन दवाओं जी हालत है जे मानु वठी कोन तो सके बीमार तो सबको दिनो यो हक तो अमीर खा वठी गरीब ते ता एडिन शेन के महंगो कयो छा सिर्फ अमीर मानु बीमार थियो तो जो को टैक्स पेड है वही बीमार थियो तो बीमारी तो केखे भी न दे जते ता के डिसिप्लिन पाकिस्तान जी गोरी तानी महंगी थी वई लिया ता एड़ो हशर मुल्क जो कर छियो वो ता वडी 11 साल हर गाल जो जवाब ते 11 साल जो हर गाल जो जवाब में जो ता अणी तरमीम कोन थी पर थी वई ली ता छा थी वलो ता खुद पंजी गाल ते शामिल कोने ता जो दा मुल्क नो गरीब है सबई मानी मानी दे रखी खाई कोन सकदा एक मानी खाओ अद अद खाओ अगर एक खाई रहा तो अद उनका पवरी तभी पानी 40 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर जे खर्च ला रखी ता छियो तो बाबा यो इमरान खान जे जाति यूज जेला ता केड़े पासे बे वणो ता खुद पेरी पंजो पान के दिसो जने असा हुआ गाल के उंदा ता जो असा इने ला बेचो जो असा के नेबजा केस ता याद जन अरे बाबा केसेस असा सी जिंदगी भुगत है नहीं कोई पेरे दवा जी गाल कोने ई कोर्ट दी ने भी सब कुछ असा ला पेरे दवा जो टाइम कोने ई जेल ही सब कुछ असा पेरे ही कने खा दिसंदा पता छु नुसरत छा चवंदो तवा अरणी तरमीम के रोल बैक करण जे वाले पीपल्स पार्टी जो चवणा त सुबई खुद मुख्तियारी के खत्म करण जे लड़ा हर बार इस्तेमाल कया था वंजन सईद गनी जो चवणो त पीटीआई अरणी तरमीम जो खत्म करण जो गालियों करे थी कोशिशों कई पी वंजन बदले में एमक्यूएम पाकिस्तान वरी पाजी ये गाल रखी हुंदी एक बे सा कमिटमेंट तय दिए गालियों थेन जो दिसो वरी वही गाला त मा चवंदम त सिंध काट जडे मेजॉरिटी जी गाल थे थी तो पो जडे इन तरह जी थी न तो सके तो पो के पार्टी के तरह स्टेटमेंट छो तो पो वफाकी हुकूमत भी इन तरह जा बयान सूबाई खुद मुख्तारी यानी तरमीम जवाब बयान ता बयान ता गादी चो न तो बयान साई थी दुआ सोच सा नियत साई थी दुआ तेरे नियत या बयान जको वो पांजी जाते पर गाल ही है मुजी गाल बुधो अरणी तमी को स्टॉप तक होने ना चारडी तरमीन का 19वीं तरमीन नहीं अची सके यो को कानून असा असेंबली वन एवानन उनन मेड़े किस्म जी लेजिस्लेशन थीदिया तरमीम होइंदी रहंदीन अरणी तरमीन हो भी मुझो भा भी चेतो मुखे भी खबर आ त जेसर जे मा ये चो ना त सवाल ही पैदा ना है जो सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी जन जी ना है तो हन के करे ही ना तो सके एड़े तरीके सा होते भी या एक्चुअली सिंध कार्ड खेडियो पे वने पीपल्स पार्टी जे के मा पीपल्स पार्टी कोन चंदिया पीपल्स पार्टी जा असल जी आला जे के वो पीपल्स पार्टी छडे बयान है जरदारी लीग हाने जरदारी लीग जे हवाले सा असा हमेशा ये चोंदा त ट्रेंड सुबन में खत्म हाने जो को जमनी थियो उने में 200 का भी घट वोट वतावयान पंजाब में हनन जे जो को कैंडिडेट होयो त ट्रेंड सुबन में हनन जो हशर हुआ हाने रहजी वियो सिंध
असल में सिंध के बचाइणो इन जी रियासतूं जेका इन बादशाहत समझी आ इन के असां जे हथ मां हली वञे इन करे छा कयूं हाणे बलदियाती इलेक्शन अचण वारा आहिनि हे शोशो छॾे वियो त बाबा एम क्यूम जेको आहे एम क्यूम वरी अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾींदी आहे जॾहिं उन्हनि खे पंहिंजो वोट बैंक मज़बूत करणो हूंदो आहे ऐं हे पीपल्स पार्टी वरी उनखे बाक़ाइदा खणंदी आहे त इन्हनि खे वरी बलदियाती इलेक्शन में पंहिंजे वोट खे करणो हूंदो आहे दुनिया पूरी सिंध वासी इहे सम्झनि था त बाक़ाइदा सिंध कार्ड था खेॾनि छो जो सिंध बचो आहे छा पीपल्स पार्टी चारो सूबो की ज़ंजीर वजूहात छा आहिनि पीपल्स पार्टी ज़रदारी लीग छो ठही सूबे में छो कहिड़ो मौक़ुफ़ रखंदी अहिड़ी पार्टी जेका मां तव्हांखे ॿुधायां थी असांजो मौक़ुफ़ क्लियर आहे कॾहिं असां हिन मौक़ुफ़ ते बिल्कुलु उन सां बि मां तव्हांखे क्लियर पर हाणे वरी ॿी ॻाल्हि जेका मुंहिंजी भेण चई त महांगाई हेॾी थी वई आहे आम माण्हू ग़रीब जेको आहे की करे अठ महीना मंथ एंड देयर इज 11 years 11 years हाणे उहा हले पई ओमनी ग्रुप खे मज़बूत कंदड़ मुराद अली शाह साहब ठटा शुगर मिल फलाणो जेको प्रोजेक्ट आहे जेके बीमार इंडस्ट्रीज हर ॾे बाबा ओमनी ग्रुप खे हे जेके ॿोरियूं हुयूं गंदम जूं ॾे बाबा ओमनी ग्रुप खे ट्रैक्टर स्कीम सब्सिडी ॾे ओमनी ग्रुप खे अचां थी हर तव्हांजे सवाल ते ईंदमि महांगाई 8 महीना ऐं होॾां 11 साल तव्हां सिंध खे छा ॾिनो आहे 1000 अरब जो मां तव्हांखां सवाल पुछां मुंहिंजी भेण ॿुधाए 1000 वेयर इज 1000 अरब बजट वेयर इज किथे आहे सिंध में तव्हां साफ़ पाणी ॾेई सघियो तव्हां सिंध में हिन महिल इस्पतालुनि जूं तूं तव्हां चओ था दवायूं आहिनि किथे वञ तव्हां कंहिं बि हॉस्पिटल हिते तव्हां जिना हॉस्पिटल आहे वञो अबासी शहीद हॉस्पिटल मां कराची जी ॻाल्हि थी कयां मां कराची कैपिटल सिटी हैदराबाद लाड़काणो तव्हां वटि लोकल बॉडी तव्हां वटि आहे न हिन महिल मेजोरिटी में चेयरमैन्स तव्हांजा आहिनि न छो अॼुकल्ह हर रोड रस्तो भॻो पियो आहे नालियूं भॻियूं पियूं आहिनि रोडनि ते कीचड़ आहे गंदम अचो कणक ते लाड़काणे में कणक जी ॿोरियूं ग़ाइब दादू मां कणक जी ॿोरियूं ग़ाइब 20 अरब जो नुक़सान ॾिनो आहे तव्हां सिंध खे हिन खां पोइ 100 अरब जो कर्ज़ ॾिनो आहे तव्हां सिंध जो मोकमे ख़राब इन जो जवाबु ॾियो न तव्हां हिकिड़ी पार्टी खे 8 महीना था चओ तव्हां 11 सवाल जो मां सिंध वासी आहियां मां पंहिंजे हिसाब सां तव्हांखां सवाल थी पुछां त सिंध जो 11 सालनि जो तव्हां हिसाबु ॾियो त तव्हां सिंध खे छा ॾिनो आहे मूंखे सिर्फ़ 1000 अरब जो हिसाबु ॾे तव्हांजे हिकु मेंबर जा असां ट्रिलियन थी विया आहिनि मूंखे सवाल ॿुधाईंदी मुंहिंजी भेण त हे ट्रिलियन इज़ाफ़ा कीअं थी विया किथां जादू जी छड़ी अची वई जो हिकु मेंबर नैब ज़दा आहे नैब में तव्हां चक ऐं मुंहिंजी भेण थी चए असां जेलूं काटियूं जेकॾहिं आसिफ अली ज़रदारी जेल काटी हुई त करप्शन जे केस में जेल काटी हुई सिंध धरती जो ख़ुदा न ख़ासा को अहिड़ो प्रोटेस्ट में कोन वियो सिंध में बिल्कुलु उहा शइ तव्हां हाणे तव्हां था चओ न इहा ई आसिफ ज़रदारी चवंदो न त चेयरमैन नैब की मजाल जो मुझे बुलाए त अॼु पोइ चेयरमैन नैब जे अॻियां बीठा हो न इन करे इहे शयूं चवण हुआ त 8 महीननि में हीअं थी वियो हीअं थी वियो असां सिंध वासी जेको लोड़ियूं था तव्हांजे 11 सालनि जो भोगियूं था बिलाल खां मां पुछी वठां त शायदि जीडीए ते अहिड़ो वक़्तु अची वियो आहे जो हाणे हू एमक्यूएम में पीटीआई जी वकालत करे तव्हां चई पंहिंजे हिसाब सां चई था सघो अलाह जो शुक्र आहे जीडीए उहा कुवत आहे उहा ताक़त आहे जंहिं बाक़ाइदा तव्हांखे सिंध में उहो मिटो निज़ाम तव्हांखे ख़तम करे ॾेखारियो बीएमएलएफ कुझु कोन रहियो हाणे वटि बचो छा आहे तव्हां वटि बचो छा आहे सिंध कार्ड जमा कयो तव्हां वटि बचो छा आहे ट्रेन मार्च कयो था 2000 चई 200 माण्हू खे पैसा ते था घुरायो इहो मां नथी चवां रिकॉर्ड ते सो तव्हांजे चेयरमैन जी तकरीर ॿुधण जे लाइ माण्हू तयारु कोन आहिनि हो हुतां जलसे मां वञनि था चवनि था असां त बिरयानी जी प्लेट खाइण आयासीं तव्हांखे तव्हां सिंधीअ ॿुधायो न मूंखे 1000 अरब जो हिसाब ॿुधायो न मुंहिंजी भेण कान्हे वियो इहे थोरी आहे 1000 अरब जो हिसाब ॾे बाक़ी हिन शइ खे छॾे ॾे त मां मुंहिंजी पार्टी खे कहिड़ो हक़ ॾींदी आहे मोहम्मद खे थी आहे सच सां या मां कंहिंखे डिफेंड कंदमि बिलाल मां हर हक़ ऐं सच खे डिफेंड कंदमि चाहे कोई कंहिंजी पार्टी सां बि हुजे जो साथ चलेंगे अब बात यह है कि जो
हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर करें। आज का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि हमारी कुलीग एम पी है सिदरा इमरान ने थर्द पे पानी की किल्लत पे बात करनी की जाए कि थर्द पे उनके लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो रेजुलेशन पास नहीं हुई, वो रेजुलेशन अंडर डिस्कशन नहीं आई। उससे पहले हमने रिमशा बसान से बात करनी चाहिए कि आज जनमन मोशन हमने दी, हमने इससे पहले मैंने रिमशा बसान के ऊपर एम रेजुलेशन डाली, नुसरत सहर अब्बासी ने डाली कि उस पर बात की जाए, उस पर बात नहीं की जाए। मैंने तीन मरतबा एडजर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन डाली है कि पीएफसी पे बात की जाए। ये लोग सीरियस ही नहीं है, ये बिजनेस को चलाने में सीरियस ही नहीं है, ये लोग सिंध को जो है कंट्रोल तो उनको मिल गया है लेकिन ये सिंध के इश्यूज को रिजोल्व ही नहीं करना चाहते। और हम कहते हैं कि भाई साहब खुदा के लिए आप सिंध में जो है वो डिलीवर करें और लोगों के मसाइल हल करें, जब हम इश्यूज पे बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है। बात तो यही है ना, बात परफॉर्मेंस की बात है, बात है कि भाई आप भी वही कर रहे हो जो सिदरा ने किया था, आपने भी एडजर्नमेंट मोशन को रेजोल्यूशन बना दिया, सिदरा ने यही नंबर्स को डाउन किया था और कुछ नहीं, यही आप भी वही कर रहे हो जो सिदरा ने किया था। बात करो आप, मुझे बताएं कि थर, मुझे बताएं थर में पानी, थर में लोगों के पास पानी है कि नहीं, ये बताएं या यार नंबर, आप मुझे बताएं इन्फॉर्मेशन आपकी गलत थी, मेरी बहन ये बताएं, मेरी बहन ये बताएं थर में पानी पीने को है कि नहीं है, मेरे ख्याल मुझे बताएं थर में लोगों के पास पानी भी नहीं और आप लोगों के पास वो सीरियस इशू ही नहीं है, आप तो उसको इशू सीरियस लेते हैं, इशू समझते हैं, सिंध हमारा है, कराची हमारा है, तो आपका है तो हमारा नहीं है क्या? हम तो पहले आप अलग कर चुके हैं असेंबली में जो लाखों वोट लेकर आए हैं, थोड़ी देर पहले बिलाल भाई कह चुके हैं, निकाल बुधाया सबीन है असेंबली हले थी डिक्टेटरशिप जी तरीके से सजी आवाम थी जिसे असा सिंध जो दुख दर्द खड़ी था चाहूं उते ऐवान में तो उते डिस्कस थे सबीन में क्वेश्चन ये असेंबली में जितनी अपोजिशन है तो सबीन आज प्राइवेट डे हो सबीन जितना भी प्राइवेट डे है ना सिर्फ एडजर्नमेंट मोशन था भी मुश्किल से खड़ी था हलन प्राइवेट डे या दुनिया थी जिसे द प्राइवेट डे में करार दादू सजो बिजनेस प्राइवेट मेंबर जो हुआ टाइम के जाया कयो टाइम अज के जाया से हो आज बतला पूरा के जाया का होया अच्छा मुझे सवाल तो पूछे मुझे भेण का कभी मुझे एक बात बताए कभी आज जो बिजनेस को पूरा टाइम में वफा से के जाया से पेट्रोल है गैस ही मतलब मेरी एक बात सुन ले मेरी एक बिलाल 57 अरब बिलाल पेट्रोल है गैस ही मतलब में वफा के नन के दिन हुआ बिलाल गाड़ी वाले छो जो सबका सवाल है बात बिलाल जी गाने वयो मां बिलाल ने वयो ओमनी ग्रुप ने वयो अगर लड़ी एक बात बताए कि कल मैंने जी बिलाल ने भी अपना ट्रेनर जेकटन कंपनी में नवे कंपनी थी वयो तो ओमनी ग्रुप ने वयो बिलाल साहब आप अपनी बात करें और मुझे ये भी बताएं कि जो जमात बिलाल साहब जो जमात बिलाल साहब मुझे ये भी बता दें कि जो जमात आपकी इत्तादी है उसके खिलाफ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो लिसानी नफरत की जो सियासत फैलाने की कोशिश है उसके हवाले से पीटीआई की वफाकी हुकूमत क्या क्या एक्शन लेगी वो जमात आपकी इत्तादी है। मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि हम फेडरल की जमात है और हम तमाम सूबों को एक साथ लेके चलेंगे, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, कल मैंने रेजुलेशन डाली जो 9 महीने की जो बच्ची है उसके साथ जो वाकया हुआ है गलत इंजेक्शन दे के, मैंने कहा आइए निश्वा का मैंने कहा आइए बात करें कि आइंदा ऐसी कोई इंसिडेंट ना हो और हम जो हुकूमती इदारे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस और अकाउंटेबिलिटी रखें कि किस तरह ये हॉस्पिटल्स को चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो उनको रजिस्टर कर देते हैं और लाइसेंस दे देते हैं। वो इन्होंने रेजुलेशन टेबल पे नहीं लाई, वो इनकी प्रायोरिटीज बताती है कि इनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज है वफाक पे बोलो, वफाक ये नहीं कह रहा वफाक तुम्हें पैसे दे रहा है वो पैसे तो यूटिलाइज करो, बिल्कुल प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी सिंध है, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, हमारी प्रायोरिटी सिंध है, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। आप वही तो बुधायो इन कागज में नून लीग तहां के वफाकी तौर ते हाने त तहां नून लीग जराडी मोहब्बत आता सा हुन मल नून लीग खा तो छो ना पैसे हाने साहब तो कोर्ट में ना जा रहा कह दे ना पैसे पैसे जो साहब कोर्ट में आला कर दे मनी लॉन्ड्रिंग या जाली अकाउंट्स और मामला कोर्ट में नहीं होते मामला कोर्ट ते हलन बड़ी मेहरबानी ता टनी मेहमानन जी ता सा के प्रोग्राम में ज्वाइन के बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़ने ते पनी पुजाणी ते पहुंचे तो इंदर प्रोग्राम ते नी दा इजाजत अल्लाह भाई। Subscribe to our channel Sindh TV News and press the bell icon for the latest update.